स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिंग ओवर कॉलम्स। ये सेकेंड पार्ट है एडिटिंग ओवर डेटा फ्रेम का। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडिटिंग ओवर रोज, ये सेकेंड पार्ट है एडिटिंग ओवर कॉलम्स। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका डेटा फ्रेम का। इसके बाद हम लोग चलेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। उसमें तीन ग्राफ आपको पढ़ने हैं, लाइन, बार और हिस्टोग्राम। ठीक है, वो लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज लास्ट टॉपिक एट्रेटिंग ओवर कॉलम्स। इन ऑर्डर टू एट्रेट ओवर कॉलम्स हम लोग यूज करते हैं एटर एटम फंक्शन। ये फंक्शन यूज करते हैं, यूज एटर एटम फंक्शन। एडिटिंग ओवर रोज में हम लोग करते थे आइटर रोज फंक्शन यूज करते थे। इसमें क्या होता है, आइटर आइटम्स एस होगा, आइटम फंक्शन है ना, एटर आइटम्स फंक्शन यूज करते। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट या डेटा फ्रेम जो भी इसे लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट आइटर आइटम फंक्शन, ये आपका सिंटेक्स हो गया। ये फंक्शन क्या करता है, विजुलाइज कराता है डेटा फ्रेम को इन टर्म ऑफ वर्टिकल सबसेट। देखिए, रोज में हम लोग हॉरिजॉन्टल सबसेट किए थे, याद होगा, मैंने इस तरीके से किए थे। इसमें वर्टिकल ही होगा, वर्टिकल सबसेट है ना। इसमें दो पैरामीटर होता है, कॉलम इंडेक्स एंड सीरीज। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और सीरीज क्या करता है, ऑल रो वैल्यू को डिक्लेयर विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स। देखिए, लिख दिया हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख दिया हूं। डेटा फाइल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आइटर आइटम्स व्यू अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सबसेट। ईच वर्टिकल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका सिंटेक्स है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम, लेकिन अब सिंटेक्स में लिखेंगे ये पार्ट सिर्फ, ये की वर्ड है COL कॉलम, लेकिन अब समझाने के लिए लिख दिया हूं कॉलम इंडेक्स कॉमा सीरीज, वेयर सीरीज कंटेन ऑल रोज वैल्यूज फॉर दैट कॉलम इंडेक्स। ठीक है, आपको इस टॉपिक से एक आपको लैब असाइनमेंट बनाना है। वो लैब असाइनमेंट है यूजिंग एडर आइटम्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम कॉलम वाइज। हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, मान लेते हैं डेटा फ्रेम इज DF5, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ये आपका नेम ऑफ डेटा फ्रेम है। कॉलम ले लेते हैं सिंपल सिमिलर एग्जांपल, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, Year 1, Year 2, Year 3। ये कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स आपका हो जाएगा Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4। ठीक है, यहां लिख देते हैं 10,000, वैल्यू डाल देते हैं 12,000, 14,000 लेते हैं, 11,000, एज्यूम वैल्यू है, मान लेते हैं। ये क्या है, कॉलम इंडेक्स, याद रखिएगा, ये कॉलम इंडेक्स, सारे कॉलम इंडेक्स। ये क्या है, रो इंडेक्स, रो इंडेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको डिजाइन करना होगा, क्रिएट करना होगा डेटा फ्रेम नेम ऑफ DF5। कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहां पर बना देता हूं। ये क्लियर है आप लोगों को, वर्टिकल सबसेट यूज होता है। वर्टिकल सबसेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये आपका वर्टिकल सबसेट है, ये कॉलम के रिस्पेक्ट पे ये आपका सीरीज बन गया, दिस इज कॉल्ड सीरीज, है ना। ये सीरीज क्या है, कंटेन ऑल द रोज वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम वैल्यू, ये कॉलम इंडेक्स। ठीक है ना, इस लैब असाइनमेंट को इंटरलिंक्ड कॉपी बनाना है,
व्हाइट चार्ट में आप आउटपुट दिखलाइएगा जो इनपुट कर रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडा एज पीडी, लिस्ट बना लेते हैं डेटा फ्रेम, सबसे आसान है। मान लेते हैं डी, ये कोई वेरिएबल नेम ले सकते हैं डी, ये लिस्ट से बनेगा आपका पहला टपल ले लेंगे 10,000 कॉमा 12,000 14,000 नेक्स्ट 11,000 13,000 15,000 नेक्स्ट आइए 12,000 14,000 16,000 नेक्स्ट 13,000 15,000 17,000 ये आपका लिस्ट क्रिएट हो गया। अब हम डेटा फ्रेम df5 मान लेते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, इस डी को पास करेंगे एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन डेटा फ्रेम डी, यहां लिखेंगे इंडेक्स या कॉलम लेते हैं, पहले कॉलम इक्वल टू, पहला हमारा कॉलम क्या ईयर वन, यहां लिखेंगे ईयर वन कॉमा ईयर टू ईयर कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स हमारा qtr1 qtr2 qtr3 qtr4 ठीक है। उसके बाद आप df5 भी कर सकते हैं, प्रिंट df5 भी कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। लेकिन डेटा फ्रेम नॉर्मली हम लोग सिंपली डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करके करते हैं, देखते करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहां से एड्रेशन शुरू होगा, एड्रेशन के लिए लूपिंग के लिए फॉर लूप हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर यहां पे सिंटेक्स मैंने बताया था कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम के लिए सिर्फ रिजर्व वर्ड में कॉलम लिखेंगे, कॉलम कॉमा सीरीज, ये आपका सिंटेक्स है। col इन ऑपरेटर यूज होता है, याद होगा आप लोग फॉर लूप में इन लेते थे इन ऑपरेटर, और ये लिखेंगे df5 हमारा इसके जहां तक जितने कॉलम है जब तक कॉलम है तब तक ये ट्रू होगा, जैसे कॉलम खत्म होगा वो फॉल्स हो जाएगा। डॉट आइटम आइटम फंक्शन, ये कॉलम दे दिए इंडेंटेशन के लिए, लिखेंगे प्रिंट, लिखेंगे कॉलम इंडेक्स इक्वल टू कॉलम, क्या कंटेन करता है, कंटेन्स प्रिंट सीरीज, सीरीज बताए रोज वैल्यू को कंटेन करके विद रिस्पेक्ट टू कॉलम इंडेक्स, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब आप इसको रन कीजिएगा एक्सिक्यूट कीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, यहां मैं लिख देता हूं आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा पहला कॉलम हमारा ये है, इसके जो वैल्यूज है लिखेंगे, पहला आएगा कॉलम इंडेक्स इक्वल टू ईयर वन, इस कॉलम का कंटेन सीरीज वैल्यू क्या आएगा, क्वार्टर वन 10,000, क्वार्टर
टू 11,000 3 12,000 क्वार्टर 4 13,000 ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, कॉलम इंडेक्स हल्का सा आप लोग समझ गए होंगे। टीयर टू कंटेंट यहां पर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तीन ही यहां पे है 12,000 13,000 14,000 और 15,000 लास्ट में फिर एक और है, ये है ईयर 3, इसको भी ले लेंगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स इक्वल टू ईयर 3 कंटेंट क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 14,000 15,000 16,000 ये आपका आउटपुट आएगा। तो दिस इज योर लैब असाइनमेंट, आपका डेटा फ्रेम कंप्लीट हो गया सारा। आप देख लीजिएगा सिलेबस मैंने व्हाट्सएप में पोस्ट किया है, रिवाइज सिलेबस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे डेटा विजुलाइजेशन, इसमें आपको तीन ग्राफ पढ़ना है, लाइन बार हिस्टोग्राम। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जनवरी 15 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद रिवीजन कराएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।